ऑनरेबल के सबसे पहले जिसको कहते ना कि माँ शुरू ही सब वहां से हुआ है, मैं इस पे बंद के बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी समस्या है, मुझे बंदिशों में रहने की आदत नहीं है। चंद्रशेखर आजाद जी की बात है, किसी को कोई तकलीफ नहीं अगर हम ऐसे उनके बात करें तो। हाँ बेटा, ये सवाल लड़कों के लिए, लड़कियों से तो जाओ, हमको भी पता है लाइनर पूरा लगा है, बाल स्ट्रेट करके तो लड़कों के लिए बेटा हमारी कोई बात ऐसा तो नहीं कि हम यहां घूम के करें, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, लगता तो क्या कर लेते हम तो वैसे ही मारते हैं। सो माँ से शुरू करते हैं कि वो मेरे गुनाहों को इसको कदर धो देती है, मुनव्वर पाजी जी लाइना सिंह कि वो मेरे गुनाहों को हर सब तुम सब की माँ यही करती होगी, पिताजी तो देश सताई देश सताई, वो मेरे गुनाहों को इसको कदर धो देती है, जब बहुत गुस्से में होती है तो मेरी माँ रो देती है। वो बिचारी क्या कर रहे हो, मतलब सॉरी मैं क्षमा चाहता हूँ, शब्द बिचारी मेरी माँ के लिए तो नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रांग और सबसे खतरनाक अगर कोई इंसान था तो वो मेरे पिताजी हैं, और जब मेरे पिताजी डरते हैं उससे तो उसको बिचारी कैसे बोले। तो माँ की ताकत क्या है, वो तो सबसे पहले माँ को प्रणाम है मेरा, उसके बाद माननीय श्री पंजी भाई साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, कश्यप साहब बैठे हुए हैं उनको मेरा नमस्कार, और राजेश जी तो जो है ना ये तो एक तो भाई है, अब इन पर ज्यादा बोलेंगे नहीं, हम ट्वीट कर देंगे, ठीक है। ये इंसान बढ़ेगा जब है, आज कहीं और का कमिटमेंट था लेकिन हमारे पिताजी से एक बड़ी अच्छी चीज सीखी थी कि जुबान दी ना तो या तो निभाएंगे या घुस के मारेंगे, अगर तो जुबान दी है तो आना पड़ेगा, वही वाली बात हमने पिछली एक थोड़ा सा पिछली बार इस बार में वो हुआ है कि पिछली बार मैंने जुबान दी थी कि रतलाम में हम 5,000, 8,000, 10,000 लड़कियों को ट्रेनिंग करेंगे, मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, शायद चीजें कोऑर्डिनेट नहीं हो पाए, लेकिन अब पिछली बार जो बोला था इस बार करना पड़ेगा वरना अगली बार का चार्जेस डबल है ना। तो बेटा अब आते हैं अपन, सबसे पहले ये देखो मोबाइल ये सब आप लोग चलाते हैं, मैं बहुत इसकी इज्जत करता हूं, सबसे पहले ना एक बार मोबाइल सब रखो, एक बार